any online classes. In last video we started the chapter 3rd of class 9 science. We discuss about the atom, element, compound. You know very well what is the atoms. Atom is the smallest particle. ये आपने कह सकते हैं कि एटम ऐसे सबसे छोटा पार्टिकल जो अनडिविजिबल हो, जिसको अपने डिवाइड आगे नहीं कर सके। मैटर का छोटे से छोटा पार्टिकल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एटम। मैटर कोई भी पदार्थ उसको अगर अपने डिवाइड करते जाएं छोटे पार्ट में, तो जो लास्ट में आएगा पार्टिकल छोटे से छोटा जिसको अपने फिर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? एटम। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे बनी? कमरों से मिलकर बनी, कमरे दीवारों से मिलकर बनी, दीवारें ईंटों से, ईंटें सैंड से मिलकर बनी, तो सैंड छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या अपना एटम होगा। एलिमेंट का सेम ही तरह के एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम मिलके सेम ही तरह के एटम को क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड। तो एटम के अगर डेफिनेशन देखें, डाल्टन ने जो की थी, डाल्टन ने बताया कि जो पार्ट जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। तो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो एटम है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको अपने आगे डिवाइड अपने नहीं कर सकते, और जो अपनी इमेजिनेशन से यानी अपनी सोच से भी क्या है, छोटा इतना है अपना, अपना सोच भी नहीं सकते उसका साइज इतना छोटा है। तो एटमिक रेडियस अपने कोई भी एटम है उसकी रेडियस होगी, कोई ना उसकी रेडियस होगी, उसको अपने कैसे मेजर करते हैं, इसमें उसकी यूनिट क्या होती है, मेजर करने की नैनोमीटर क्या होती है, नैनोमीटर। तो एटम्स की जो रेडियस है वो नैनोमीटर में मेजर की जाती है, और नैनोमीटर होता क्या है? 1/9 power of 10, 10^9, 1/10^9 मीटर, इसके इक्वल होता है 1 नैनोमीटर के। यदि यहाँ से अपने 1 नैनोमीटर का निकालें, सॉरी 1 मीटर, इसके इक्वल होगा ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10^9 का 1 से होगा, तो 1 मीटर इक्वल क्या आ जाएगा? 9 power of 10 यानी 10^9 नैनोमीटर आ जाएगा, और 1 नैनोमीटर की वैल्यू 1/10^9 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर होता है। रिलेटिव साइज देखते हैं, कुछ रेडियस देखते हैं, अपने को कुछ अपने को एटम्स देखते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसकी क्या होती है रेडियस? -10^10 यानी 10^-10। ये किसमें दे रखी है? मीटर में दे रखी है। किसमें? ये मीटर में। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी पानी के जल के एक अणु का जो उसका है रेडियस कितनी होती है? 10^-9 यानी 10^-9। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उसकी क्या होती है रेडियस? 10^-8। उसके बाद आता है अपने ग्रेन ऑफ सैंड, तो सैंड के जो पार्टिकल उसकी होती है 10^-4। इसी तरह से अपने कुछ और एग्जांपल देखें, आंख चींटी उसकी यदि 10^-3, एप्पल 10^-1। तो ये कुछ इस तरह से अपने दे रखी थी रेडियस, कुछ एग्जांपल देख के देखा। आई होप आप इसे तरह समझ गए होंगे एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अपने जैसे अपने एलिमेंट देखे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा? एक एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या होंगे एलिमेंट? अगर कंपाउंड अपने देखें, नाइट्रोजन क्या होगा? ये भी क्या एलिमेंट कंपाउंड देखें तो जैसे H2O, ये क्या होगा? कंपाउंड होगा, ठीक है। ओजोन O3, ये भी क्या होगा? कंपाउंड होगा, है ना। तो ये देख, इसके बाद अपने आगे देखते हैं कुछ सैंपल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट को, तो कौन से सैंपल हम अपने देखते हैं। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, फिर आता है कि कुछ सैंपल्स के द्वारा जो एलिमेंट हमको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सैंपल्स क्या है? द मॉडर्न डे सैंपल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो क्या सैंपल्स थे? डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, और डाल्टन एक ऐसा पहला क्या वैज्ञानिक था जो
तो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे है, सर्किल के बीच में क्या स्थान से डॉट जैसे स्ट्रक्चर, तो वो हाइड्रोजन का सिंबल होगा। कार्बन का अंदर से क्या है, कलर ऐसे कर दिया आपने सर्किल, वो ये वाला सैंपल किसका होगा, कार्बन का। ऑक्सीजन का सैंपल खाली सिंथेसिस से सर्किल है, वो क्या होगा, ऑक्सीजन का सैंपल यानी खाली होगा सर्किल। जो फिर फास्फोरस का सैंपल क्या होगा, जिस तरह से फैन की जैसे स्ट्रक्चर होगी अंदर बनेगी होगा फास्फोरस का। सल्फर का सैंपल उसमें प्लस का साइन होगा सर्किल के अंदर। आयरन लोहे के उससे सर्किल के अंदर आई, तो ये होगा अपने आयरन लोहे का सैंपल। फिर इसके बाद कॉपर, कॉपर होता है तांबा, तांबे का सैंपल सी लिखा होगा। लेड का एल होगा लिखा हुआ। सल्फर का एस, तो ये सैंपल उससे। और अगर देखें गोल्ड सोने का सैंपल तो इस तरह से कुछ होगा, और अंदर क्या लिखा होगा जी, ये गोल्ड का सैंपल। फिर प्लेटिना का सैंपल सर्किट के अंदर क्या होगा, इस तरह से पी राइट होगा। मर्करी में मर्करी और देखिए गोल्ड का सैंपल कुछ एक जैसे होगा, गोल्ड वाले जी का और मर्करी वाला ब्लैंक होगा, खाली होगा। तो ये कुछ ये सैंपल्स के एलिमेंट्स के जो सबसे पहले डाल्टन ने इनको यूज किया था, कोई एलिमेंट है उसको एक स्पेसिफिक सैंपल्स के द्वारा उसने बताया था कि कोई भी एलिमेंट उसको अपने कैसे पहचान सके, उसको किस सैंपल से अपने डिनोट कर सके, तो सबसे पहले डाल्टन ने बताया था। फिर आगे देखते हैं, तो इसके बाद होता है कि नेम अपने हैं वो एलिमेंट का किस तरह से अपने उसको सैंपल्स के द्वारा उसको शो करते हैं। तो इन द बेसिक ऑफ नेम ऑफ द एलिमेंट्स वर ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले किस तरह से जो सैंपल कोई भी एलिमेंट है उसका सैंपल्स कैसे दिया जाता था, उसका नाम कैसे दिया जाता, वो जिस स्थान से खोजे जाते थे उसी के द्वारा उसका नाम रखा जाता था। उसको टॉपिक आप डाल सकते हो नेमिंग ऑफ एलिमेंट के ऐसे कर सकते हो। डिसेंबर था के सेंडर सीट पर सेंडर सब एलिमेंट की। तो सबसे पहले क्या था, जिस जगह पे खोजे गए थे उसी के आधार पर का नाम लिखा जाता था। तो फॉर एग्जांपल की ये द नेम ऑफ कॉपर वाज टेकन फ्रॉम द क्यूप्रस। तो ये क्यूप्रस जगह से वहां से ये गया, खोजा गया कॉपर पहली बार, तांबा दूसरा, इसका नाम क्या था कॉपर पड़ गया। कुछ कलर के आधार पर उनका नाम दिया जाता है, जैसे अपने एग्जांपल पे देखें तो सम नेम टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर, कुछ विशेष उनका रंग हो कलर उसके कारण उनका नाम दिया जाता है। जैसे गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, जैसे गोल्ड है ये कहां से निकला, इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है येलो पीला, तो इससे गोल्ड है इसका नाम दिया गया। फिर आप इन दिनों क्या है IUPAC IUPAC के अकॉर्डिंग है जो नाम लिखे जाते हैं नेमिंग होती है। IUPAC की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, क्या होती है IUPAC फुल फॉर्म, आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, और ए से अप्लाइड, और सी से केमिस्ट्री। तो ये हो गया IUPAC की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्या अपने जो एलिमेंट उनके नामकरण करता है, और यही क्या करता है अप्रूव करेगा उनका नाम एलिमेंट का, उनके सैंपल हो गए उनकी यूनिट हो, कौन IUPAC यही अप्रूव करेगा, यही फाइनलाइज करेगा कि इसका सैंपल क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए। मेनी ऑफ द सैंपल्स आर द फर्स्ट वन फॉर टू लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। तो ज्यादातर जो एलिमेंट उनका नाम कैसे है, सैंपल कैसे लिया जाता है, पहले या दूसरे लेटर से उनका नाम लिखा जाता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सैंपल इज रिटन एज कैपिटल लेटर एंड सेकंड एज स्मॉल। तो स्टार्टिंग वाला या तो एक लेटर से लिखा जाएगा नाम, या स्टार्टिंग वाले दो लेटर लिए जाएंगे। तो पहले वाला लेटर हमेशा अगर किसी भी दो लेटर से अपने उसको शो करें, पहले वाला लेटर क्या होगा कैपिटल होगा, बाद वाला क्या होगा स्मॉल होगा। एग्जाम्पल पे देखें तो हाइड्रोजन एक से लिखा जाता है इसको एच से, तो एच क्या होगा कैपिटल होगा। एल्यूमिनियम स्टार्टिंग वाले दोनों लेटर लिए गए ए एल, तो पहले वाले देखो ए कैपिटल लिखा जाएगा और ए एल है देखो स्मॉल, अगर इसको अपने यू लिख दें ए एल तो दिस इज रॉन्ग, तो ये क्या होगा गलत होगा। अपने क्या होगा पहला लेटर है वो कैपिटल होगा और बाद वाला स्मॉल होगा कोबाल्ट, तो पहला सी कोबाल्ट का सी क्या होगा कैपिटल होगा और वो क्या
स्मॉल होगा, अगर आपने दोनों कैपिटल लिख दें तो ये रॉन्ग होगा। तो इनके अलावा कुछ और भी हैं जिनको अपने लैटिन भाषा से या ग्रीक से उनसे उनके नाम दिए गए, जैसे आयरन है, जैसे आयरन की लोहा इसको क्या आयरन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।